टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने पंजाब किंग्स को लेकर बड़ा बयान दिया। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच हुए मुकाबले में बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 से 5 रन बनाए। इसके बाद फैंस ये मान चुके थे कि अब पंजाब किंग्स के लिए ये मैच जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, भानुका राजापक्षे, ओडियन स्मिथ की बल्लेबाजी ने पूरा मैच ही पलट दिया और पंजाब की टीम ने 2 से 6 रनों के लक्ष्य का पीछा कर लिया। ऐसे में अब टीम इंडिया के पूर्व ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने बड़ा बयान दिया है। वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि पंजाब की टीम एक ऐसी टीम है जो कभी भी 200 रनों के लक्ष्य का पीछा आसानी से कर सकती है। सहवाग ने बताया कि पंजाब की टीम शुरू से ही ऐसी रही है कि टीम 200 से ज्यादा रन लुटा देती है, लेकिन टीम बहुत कम बार ऐसे लक्ष्य का पीछा कर पाती है, लेकिन आज टीम ने पहले इतने रन लुटाए और फिर बाद में बनाए भी। सहवाग ने कहा कि पंजाब टीम का कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं लगा पाया, इसके बावजूद टीम ने 19 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 208 रन बना डाले। उन्होंने भानुका राजापक्षा की 22 गेंदों में 43 रन की पारी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जॉनी बेस्टो के आते ही भानुका राजापक्षे को मौका मिलना मुश्किल होगा। सहवाग ने कहा कि अगर कोई भी टीम इस साल 200 रनों के लक्ष्य का पीछा कर सकती है वो सिर्फ पंजाब किंग्स ही है। उन्होंने कहा कि सभी ने दमदार प्रदर्शन किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है अगले मैच में कागिसो रबाडा को किसकी जगह प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।